हाई स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आप सबको अगले वीक का जो प्लान है, जो वीक टू है हमारा IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स का, उसका मैं आपको डिटेल में प्लान बताऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं। वीक वन में थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया, मैंने स्टार्ट तो किया था, टाइम एंड वर्क करवाया मैंने, पाइप्स एंड सिस्टम करवाया, फिर मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स करवाए, और आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे बोला कि सर आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मुझे बताइए, एस्टीमेशन कैसे लगाते हैं ये मुझे बताइए। तो उसका भी मुझे दो वीडियो बनाना पड़ा, एंड एक दो और फेडरल बैंक PO एंड करूर वायसा बैंक, इन सब के मुझे वीडियोस बनाने पड़े आपके लिए। तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ टाइम ज़ाया हो गया और हम सिस्टमैटिक वे में नहीं चल पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप सिस्टमैटिक वे में चलिए। तो आज मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ वीक टू का। मैं हर वीक की स्टार्टिंग में आपको अपना जो प्लान है वो मैं आपको बता दूंगा, हर वीक की स्टार्टिंग में आपको पूरा क्लियर करूंगा कि हम अगले वीक में क्या करने वाले हैं और आपको कितना टाइम किस चीज़ के लिए देना चाहिए। तो पहला जो आपका एक्टिविटी है मेरे हिसाब से, अब मेरे हिसाब से चलिए बिल्कुल, आप 10 हफ्ते सिर्फ मुझे दीजिए बेसिक्स के लिए और 5 हफ्ते एडवांस्ड की जो सीरीज चलाएंगे उसके लिए, और आपका IBPS PO का एग्जाम क्लियर होगा गारंटीड। तो पहला चीज जो आपने करना है, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये मैंने आपको डे वन से बोला है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, लेकिन मसालेदार जो अखबारें होती हैं जैसे पंजाब केसरी यहाँ पे होती है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये हिंदी की अखबारें, हिंदी की अखबारें भी कुछ अच्छी हैं, लेकिन ये जो हिंदी न्यूज़पेपर है ये मसालेदार खबरें होती हैं, मतलब क्राइम वगैरह के लिए या ये सब होता है। इन न्यूज़पेपर में ढंग से एडिटोरियल पेज लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि उनकी जो टारगेट मार्केट है वो कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, तो उन लोगों का वही टारगेट है। तो आपने एग्जाम देना है उसके लिए पढ़ रहे हैं, और ये कोई आपकी बुक नहीं है उसकी तरह ना पढ़ें, इसको एक आदत बनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत बनाएं। मैं पिछले 10 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, और मैं 10 साल से नहीं ज़्यादा आई थिंक, जब 7वीं 8वीं में होते थे तब से हमें आदत है, हम रोज़ाना पढ़ते हैं। और पकड़ के बैठ ना जाएं, दो दो घंटे मत दें एक न्यूज़पेपर को, ऐसे नहीं होता है। आप सिर्फ आधा घंटा, जितना आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके माता पिता या कोई ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वो कितना टाइम पढ़ते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, एक घंटा तो कोई भी नहीं पढ़ता, आधा घंटा मैक्सिमम होता है। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें आधा घंटा, लेकिन आपको कोई एडिटोरियल आर्टिकल बहुत अच्छा लग गया तो आपको पर्सनली ऐसे लग गया कि यार ये तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये तो मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ ऐसे होता है, कई बार मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मुझे कोई एडिटोरियल का आर्टिकल पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसकी कटिंग निकाल लेता हूँ या पेपर में फोल्ड करके रख लेता हूँ फाइल में, कि भाई ये मैं संडे को पढ़ूंगा या शाम को, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा ये मैं पढ़ूंगा। और वीक के एंड में या फिर कई बार वीक के दौरान ऐसे 2-3 आर्टिकल होते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आपको जो जो आर्टिकल अच्छे लगे तो उनको ऐसे रख लीजिए, बाकी जो आपकी रोज़ाना दिनचर्या है उसमें न्यूज़पेपर को ऐड करें। मैंने बिल्कुल ऑलरेडी बताया कि आपको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हेडलाइंस, एडिटोरियल, स्पोर्ट्स का पेज भी थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है, तो वो उसको फॉलो करें। बाकी मसालेदार खबरें, एडवेंचर या ये सब होता है, क्या कहते हैं, कोई मर्डर हो गया, कोई कंट्रोवर्सी होगी, इसको ज़्यादा ध्यान, इस पर ध्यान ना दें, और page 3 होता है जो, उस पर भी ध्यान ना दें, कौन सा फिल्म एक्टर क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, या पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो न्यूज़पेपर की बात होगी। अगले इस हफ्ते में आपने आदत डालनी है, रोज़ाना सुबह उठ के 30 मिनट आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, और जो एडिटोरियल का आर्टिकल आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो आपने उठा के साइड पे रख लेना कि मैं ये बाद में पढ़ूंगा। दूसरा पॉइंट, अभी चैप्टर्स की बात मैं करूंगा लेकिन ये दिनचर्या की बात कर रहे हैं, आपकी रूटीन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कैलकुलेशन की जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, टेक्निक नहीं है, लॉजिक है, प्योरली लॉजिक। आपने कुछ जैसे एम टायरा की या कुछ ऐसे वैदिक मैथ्स की अलग अलग बुक्स आई हुई हैं मार्केट में, आपने उसको फॉलो नहीं करना है। कितने एक मेथड आप याद करेंगे, मैं ऐसे किसी अच्छे राइटर हैं वैसे वो, कितने एक आप फॉर्मूला याद कर लेंगे। आप ऐसी 2-4 बुक्स लेके खरीद के देख लें, आप लाइब्रेरी में अपने किसी फ्रेंड से लेकर देख लें, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे।
तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी बुक से थोड़ा दूर रहें। वैदिक मैथ्स एक साइंस है, एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, इसको आप 1-2 महीने में नहीं कर सकते, इसको करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो कैलकुलेशन की जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, जो मैंने लॉजिक आपको सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस करें अगले 1 हफ्ते। रोज मैं आपको वर्कशीट दूंगा, रोज आप क्या करें उस वैसे से क्वेश्चन, जैसे मेरी वर्कशीट पे डिपेंडेंट ना रहे, आप अपने लेवल पे जैसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश कीजिए जो टेक्निक, जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, उस लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दूंगा। और तीसरी चीज जो इस हफ्ते में हम करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क का जो हमने चैप्टर किया था, जो हमने परसेंटेज वाला मेथड किया था, परसेंटेज वाला मेथड मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज किया और टाइम एंड वर्क में कह लीजिए एफिशिएंसी का मेथड यूज किया है। इसके जो भी आप स्टूडेंट्स को डाउट हैं वो मुझे प्लीज मेल करें या नीचे कमेंट्स पे लिखें। मैं क्या करूंगा कि जो जो एक रेपिटेटिव से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल अलग तरह के होंगे, मैं उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करूंगा और जो तरीका मैंने सिखाया है उस तरीके के हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये डाउट क्लियरिंग सेशन आप कह लें कि आपको जो जो डाउट है वो आप कमेंट्स में डालें या मुझे मेल करें, जैसे भी आप मुझे मेरे तक आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं वो भेजें। ऐसे ही टाइम एंड वर्क का है और डेटा इंटरप्रिटेशन का तो बेसिकली अभी हमने सिर्फ बेसिक बेसिक किया है, उसको कंप्लीट नहीं किया है चैप्टर को। इसमें अभी तक सिर्फ आई थिंक 2 लेक्चर्स हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, एंड एक इसका एस्टिमेशन का हुआ है, और 4 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक कवर किया है। इसको अभी काफी आगे तक हमने करना है, इसका बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, मिसिंग टेबल, आई मीन चार चार ग्राफ्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत आगे तक जाएंगे। SBI PO मेंस का मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, उसका पर्पस जो था ये था कि आपको दिखाना कि एस्टिमेशन टेक्निक से SBI PO मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के जो डाउट क्लियरिंग सेशन है ये मैं बिल्कुल लाइव तो करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में से ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कि ऐसे रैंडमली करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा प्रिपेयर करके उसको देख के क्वेश्चन को फिर वीडियो में आपको बताना, ये आई थिंक एक बेटर वे होता है। वैसे भी लाइव स्ट्रीम करना लुधियाना में एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरनेट का स्पीड बहुत कम है, मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं ये वीडियो अपलोड करने में, तो लाइव स्ट्रीमिंग मेरे लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 15-20 दिन, 1-1.5 महीने में मैं बेटर मेरे को इंटरनेट मिले और मैं कर पाऊँ। तो इस हफ्ते में एक हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो करेंगे, नंबर सीरीज, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम क्वांट में, अगर आते हैं तो 5 आते हैं, वैसे हर पेपर में आते हैं। NICL AO में भी 5 क्वेश्चन आए थे, SBI में मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मोस्टली हर पेपर में, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, हर बार क्वेश्चन आते हैं। होने को ये बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट करने बैठते हैं नंबर सीरीज, आप जितनी मर्जी डिफिकल्ट कर लें। आपने नंबर ए है और नंबर बी है, पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इन दोनों का अगर रिलेशन ए द क्यूब प्लस ए द स्क्वायर प्लस 4, ये रिलेशन पहले दूसरे तीसरे चौथे में है, तो कई बार ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में 5 के 5 जो अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको कैसे क्रैक करें विद इन 1 मिनट। मैं आपको कोई भी टेक्निक सिखा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कोई भी जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसमें आपको एक एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। वैसे IBPS PU का मेगा प्रिपरेशन कोर्स जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें प्लीज एनरोल कीजिए ताकि आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है, वीडियोस जो बाकी की हैं, या आपको पूरा क्विजेस है, मॉक टेस्ट है, वो आपको सब कुछ मिल पाए। bankexamstoday.com पे जाइए, वहां पे मैंने बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। और GK डाइजेस्ट, इसको दिन में 10 मिनट जरूर दें। हम जो हमारी जो राइटर्स की टीम है, हम 4 टीचर्स जो बैठते हैं, वीडियोस तो हम सिर्फ 2-3 घंटे ही बनाते हैं, बाकी टाइम जो है हम अपने दिन का 3 से 4 घंटे, चार ज्यादा ही हो जाते हैं, 4-5 घंटे वो हम GK डाइजेस्ट पे ही बिताते हैं। bankexamstoday.com पे जो कंटेंट डालते हैं उस पे ही बिताते हैं। तो प्लीज GK डाइजेस्ट इंस्टॉल करें और IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स पे एनरोल करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए नंबर सीरीज इस महीने करेंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स, ये मैंने कल को एक वीडियो डाला था, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो
कल तो मैंने पहला वीडियो डाला था, काफी अच्छा रिस्पांस था स्टूडेंट्स का कि यस उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में कम से कम 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बैंकिंग के बिल्कुल सिखाऊं, और जो मंथली कैप्सूल होता है उस पर भी वीडियो बनाई जाए। तो ये मेरे अभी प्लान्स हैं। कैलकुलेशन की स्पीड की प्रैक्टिस न्यूज़पेपर ये आपने खुद करना है। टाइम एंड वर्क का जो आपको डाउट्स हैं वो आपने मेरे तक कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के भी डाउट्स मत डालिए क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी नंबर सीरीज है, ये मैं नेक्स्ट वीक में कम से कम हम 3 वीडियोज बनाएंगे नंबर सीरीज की। लेकिन नंबर सीरीज 1-2 वीडियोज में कंप्लीट नहीं हो सकता है, हो सकता है इसके हम 4-5-6 तक वीडियोज भी बना लें। बैंकिंग अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स चलेंगे रेगुलर वे में। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, कल पहला वीडियो डाला था और आज तो शायद क्वांट ही करेंगे, कल फिर से बैंकिंग अवेयरनेस का एक और वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो वोकैब है, वोकैबलरी, इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेरे जो साथ के टीचर्स हैं एनसिया यादव है या और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, ये सब आपको वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर एक वीडियो लेक्चर आएगा, आपको मिलेगा आपको कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं एज अ क्वांट टीचर, मैं अपना वोकैब कैसे इम्प्रूव करता हूं, मैं जो न्यूज़पेपर में मुझे जो जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं नोट करके रख लेता हूं, वोकैब में चेक करता हूं, मोबाइल में होता है, आपके पास मोबाइल तो होगा ही, स्मार्टफोन उसका इस्तेमाल करें, देखें कि क्या इस वर्ड का मतलब क्या है, और उसका एक लिस्ट बना कर रखें, अपनी वोकैब की लिस्ट खुद बनाएं। डाउनलोड करके पढ़ने का कुछ खास फायदा नहीं होता, 5,000-10,000 वर्ड पढ़ लें कुछ खास फायदा नहीं होता, अपनी लिस्ट खुद बनाएं। उसके बाद 20 मोस्ट कॉमन एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस, जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस का ये मैंने देखा है कि 20 नहीं शायद 100 है, ये एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करी होती है लेकिन ग्रामर की सेम चीजें ही बार 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 आ रही हैं, और उस पर हम एक वीडियो, एक प्रॉपर 1.5 घंटे का लेक्चर प्रॉपर बनाऊंगा मैं, और वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। वैसे इस पर मैंने एक ऑलरेडी वर्कबुक बनाई हुई है लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को PDF से ज्यादा समझ नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूं। एंड नाइन्थ जो हमारा टॉपिक है ये है कि व्हाट टू रीड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको पढ़ना क्या चाहिए। न्यूज़पेपर तो पढ़ लेंगे, ग्रामर कहाँ से पढ़ेंगे, वोकैब कैसे करेंगे, एरर स्पॉटिंग, RCS कैसे करेंगे, तो इस सब पे मैं एक प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ के टीचर्स हैं इंग्लिश की वीडियोस क्योंकि मैं बनाता नहीं हूं, तो वो आपको बना के प्रोवाइड करवाएंगे, पूरा एक लेक्चर आपको देंगे कि कैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर काम कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। एरर स्पॉटिंग पे जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं पिछले 7-8 एग्जाम से मैं देख रहा हूं, सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो उसके बाद इस हफ्ते थोड़ा मैं सोच रहा हूं रीजनिंग का एक चैप्टर मैं शुरू करूं, वैसे नंबर सीरीज के साथ अल्फाबेटिकल जो रीजनिंग आती है वो भी रीजनिंग का पार्ट है एंड रिलेटेड है, शायद वो भी हम स्टार्ट कर लें अगर कंप्लीट हो पाए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अभी बता दिया आपको, टाइम एंड एक वीडियो तो एक लेक्चर तो कम से कम टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस का जो डाउट क्लियरिंग सेशन का कह लें, एक तो वो हो गया। नंबर सीरीज की 3 क्लासेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3 कर लेंगे अगले 7 दिनों में, 4 ये हो गए। बैंकिंग अवेयरनेस के 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए अपने, 7 टॉपिक्स हो ये हो चुके हैं एंड 7 तो ये हो गए हैं, बाकी इंग्लिश के 4 हो चुके हैं। 11 लेक्चर जो हैं वो आपको इस हफ्ते में मिलेंगे, प्लस टाइम एंड वर्क का मैं आपको वर्कबुक प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लस कैलकुलेशन की स्पीड को आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लॉजिक को उसकी मैं आपको वर्कबुक जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये अनसॉल्व होगी, अब अपने लेवल पे से सॉल्व करेंगे। क्विजेज मिलेंगे आपको, क्विजेज जो है वो IBPSPO मेगा प्रिपरेशन कोर्स में आपको मिलेंगे, कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको इन सब के जो क्या कहते हैं जो भी मैंने आपको लेक्चर्स बताए हैं, लेक्चर्स के आपको वर्कशीट जो हैं, क्विजेज जो हैं, आपको कह लीजिए आपको PDF नोट्स हैं, या इवन जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, जो डाउट क्लियरिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली हम कोर्स में ही डालेंगे, क्योंकि हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं टू गिव एवरीथिंग फॉर फ्री, बिकॉज गाइज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, हम बहुत कुछ ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट हमें करना पड़ता है, वी हैव टू। आई थिंक आपको मैं पूरा प्लान तो आई थिंक आज बता ही चुका हूँ कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, पूरे हफ्ते में हमारा क्या प्लान है,
कैसे हम करने वाले हैं, और बैंक एग्जाम्स टुडे को ज़रूर फॉलो करें, साथ में इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। खाली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जीके डाइजेस्ट के क्विजेज अटेम्प्ट करें, जीके डाइजेस्ट इंस्टॉल कर लें, या ये वाला नोट्स हैं ये डाउनलोड कर लें, फ्रीली अवेलेबल है बहुत कुछ तो वैसे तो। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीम देखते हैं, 9 बजे फिर देखते हैं, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 7 बजे, ये क्या हो रहा है? आई मीन दिन में अगर आप 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस ही ले जाएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। दिन में अगर आपने 6 क्लासेस देख ली हैं और उसको आपने अगर फॉलोअप नहीं करा है, उसका आपने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा है, उसको आपने उसका क्विज नहीं दिया है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है भी है और इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की जो अति है, अति समझते हैं, एक्स्ट्रा में अगर आप खा लेते हैं, एक्स्ट्रा में पानी पी लेते हैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी नुकसान करता है। तो आपको यही कहूँगा कि खाली लेक्चर्स देखें ना, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, और जहाँ से हम बोल रहे हैं, जहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो चलिए, IBPS मेगा प्रिपरेशन कोर्स का मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस जो है मेरे जो वर्कशीट्स हैं जो बहुत कुछ फ्रीली अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आई मीन अगर आपको कुछ डाउटफुल है, पहली बात तो टाइम एंड वर्क का जो था डाउट है आपको, वो तो बिल्कुल आप मुझे भेजिए, कॉमेंट कीजिए, चाहे मुझे मेल कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो 0161-460-8671 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी बात करना चाहते हैं। वैसे मेरे यहाँ पे और भी टीचर्स हैं, वो बात करेंगे, लेकिन शाम को आई थिंक 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड मेल कर सकते हैं raman@bankexamstoday.com। वैसे कमेंट करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं इंस्टेंटली कर देता हूँ, मेल का रिप्लाई भी 1-1.5 घंटे में कर देता हूँ, फ़ोन पे कई बार मुश्किल हो जाता है, बट कम्युनिकेट कीजिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। कोशिश करूँगा कि आज भी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ, एक प्रॉपर लेक्चर जो है, जिसमें आई थिंक बैंकिंग अवेयरनेस का और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक लेक्चर बना के मैं आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करवाऊँगा आज। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, बाय।